अध्याय एक, खोया हुआ पथिक। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे हरे भरे जंगल में मैक्स नाम का एक छोटा जिज्ञासु लड़का रहता था। एक धूप वाले दिन अपने गांव के बाहरी इलाके की खोज करते हुए मैक्स जंगल के बीचों बीच भटक गया। खोया हुआ और डरा हुआ वह एक साफ जगह पर पहुंच गया, जहां ओली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और स्क्वीकी नाम की एक चंचल गिलहरी रहती थी। अध्याय दो, असंभावित मित्रता। ओली और स्क्वीकी ने मैक्स का अपने साधारण निवास में स्वागत किया। आश्चर्यचकित और राहत महसूस करते हुए मैक्स को अपने नए दोस्तों की संगति में सांत्वना मिली। उन्होंने उसे जंगल के रास्ते सिखाए, उसे बताया कि कौन से फल खाना सुरक्षित है और कौन से रास्ते से बचना है। बदले में मैक्स ने अपने गांव की कहानियां साझा की, जिससे एक छोटे लड़के और उसके वुडलैंड साथियों के बीच एक अप्रत्याशित दोस्ती बन गई। अध्याय तीन, महान चुनौती। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया, जिससे जानवर सूखे और कमजोर हो गए। मैक्स, ओली और स्क्वीकी ने एक छिपे हुए नखलिस्तान को खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां जादुई पानी है जो उनके घर को बचा सकता है। रास्ते में उन्हें खतरनाक बीहड़ों से लेकर चालाक शिकारियों तक विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टीम वर्क और बहादुरी के माध्यम से उन्होंने अपने बंधन को मजबूत करते हुए प्रत्येक बाधा को पार किया। अध्याय चार, आशा का मरुद्यान। कई दिनों की यात्रा के बाद तीनों ने अंततः छिपे हुए नखलिस्तान की खोज की। इसका क्रिस्टल सा साफ पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जो प्यासे जंगलवासियों को आशा की एक किरण प्रदान कर रहा था। मैक्स, ओली और स्क्वीकी ने कंटेनरों में जादुई पानी भरा और उसे वापस अपने घर ले गए। जैसे ही उन्होंने बहुमूल्य तरल पदार्थ अन्य जानवरों के साथ साझा किया, जंगल फिर से जीवंत हो उठा और हवा में कृतज्ञता भर गई। अध्याय पांच, सीखे गए सबक। अंत में जंगल फला फूला और मैक्स, ओली और स्क्वीकी महान हस्तियां बन गए, जिन्हें उनकी बहादुरी और दोस्ती के लिए मनाया जाता था। छोटे लड़के और जानवरों के साथ उसके बंधन की कहानी ने सभी को एकता, साहस और समझ का महत्व सिखाया। एक समय भटके हुए पथिक मैक्स ने न केवल अपने घर वापस आने का रास्ता खोज लिया, बल्कि दोस्ती का सही अर्थ भी खोज लिया और सभी को याद दिलाया कि कभी कभी सबसे असाधारण दोस्ती सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी पाई जा सकती है। और इस तरह मैक्स और उसके जंगल मित्रों की कहानी एक प्रतिष्ठित किंवदंती बन गई, जिसने पीढ़ियों को अपने शाश्वत नैतिक पाठ से प्रेरित किया।